मौलाना साहब काफी आगे निकल गए, उनके हाथ नजर आ रहे हैं, लाइफ गार्ड उनको बचाने के लिए गए। किस तरीके से इनको रेस्क्यू करते हैं ये देखें, लाइफ गार्ड ने डाइव लगाई। जी थोड़ी देर पहले छोटा सा बच्चा था, नहीं बैठा हुआ था क्योंकि समंदर इतना तेज था, वो बच्चा जो है ना समंदर ले गया बच्चों को। बस छोटा सा बच्चा था, जितना बड़ा बच्चा आप उसको दिखाया था दिखा सकते हैं, नहीं वो लेडीज बैठी हुई लेकिन तो यही ऐसे बैठा हुआ था, वो ऐसे जो है ना ऐसे चले गया वो अंदर। डेड बॉडी बच्चे की निकली है, ईदी के खुदाकारों ने निकाली लेकिन वो एक्सपायर हो गया था बच्चा। अब मुझे तैराकी नहीं आती है, मैं उनके देखा देखी तब थोड़ा सा आगे जाऊंगा, मेरा पांव का जमीन से हट जाएगा, लाजिम बात है मैं नीचे डूब जाऊंगा। ये भाई देखें काफी आगे निकल गए, लहरें इनको आगे ले जाएंगी, अभी क्या करते हैं लाइफ गार्ड भाई ने इनको समझाया है, ये आगे निकल गए। ये भाई देख सकते हैं आप लोग, बंदा जो बैठा हुआ है ना उसको तो डायरेक्ट लेके जाएगा, जो उठ जाएगा तो उठ जाएगा, जो नहीं उठ सका वो तो गया। तो नाजरीन देख सकते हैं आप समंदर की सूरत हाल, साहिल पे किस कदर ऊपर आ चुका है समंदर का पानी, हम लोग काफी दूर खड़े हैं, डिस्टेंस बना के खड़े हैं, फिर भी यहाँ तक साहिल समंदर का पानी आ चुका है। हॉक्स बे बीच कराची ये कहलाता है, आप मेरे पीछे की सूरत हाल देख सकते हैं। लोग कहते हैं डराया जाता है, कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं, आप लहरें देखें, हम बिल्कुल किनारे पर हैं इस टाइम हॉक्स बे बीच कराची में, और यहाँ पे सूरत हाल आपको दिखाते हैं, यहाँ पे लोग भी काफी आए हुए हैं, उनसे ही मिलवाते हैं आप लोगों को। हमारे साथ लाइफ गार्ड भाई भी हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर जरा मुझे बताएं कि क्या कंडीशन है हॉक्स बे बीच की? हम लोग खड़े हुए थे, हमारे सामने बंदे डूब गए थे, मतलब तकरीबन यहाँ से लेकर एक किलोमीटर तक दूर, हम लोग भाग के गए वहाँ पे, भाग के गए डायरेक्ट डुबकी लगाई, ये रेस्क्यू डूब दिया पहले, ये रेस्क्यू डूब उसने पकड़ा, फिर हमने ये खड़ा किया सर, देखो ये ऐसा खड़ा हो जाता है बंदा, फिर बंदे को सांस मिलती है, बंदा नीचे नहीं जाता है, फिर उसको हमने ये पट्टा खोल के हमने घसीट के लेके आया, रेस्क्यू किया, बहुत खतरनाक है, बहुत बहुत अभी बंदा आ गया ना बड़े पानी में, उसके डायरेक्ट घसीट के लेके जाएगा, बंदा जो बैठा हुआ है ना उसको तो डायरेक्ट लेके जाएगा, जो उठ जाएगा तो उठ जाएगा, जो नहीं उठ सका वो तो गया। चार पांच बंदे डूब गए थे, उसमें से दो बच गए, बाकी मर गए। उस भाई को देखें लहर ने डुबा दी है, काफी दूर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, काफी आगे चले गए, ये लहरें देखें समंदर की लहरें देखें, वो देखें भाई आपको नजर आ रहा होगा, उनकी गर्दन नजर आ रही है सिर्फ, ये देखें भाई समंदर फुल मस्ती में है। अभी थोड़ी देर पहले छोटा सा बच्चा था, नहीं बैठा हुआ था क्योंकि समंदर इतना तेज था, वो बच्चा जो है ना समंदर ले गया बच्चों को। हाँ अभी बच्चा मिला नहीं, अभी ढूंढ रहे लाइफ गार्ड उसको। कितना टाइम हो चुका है? तकरीबन पौना घंटा या एक घंटा हो गया। बस छोटा सा बच्चा था, जितना बड़ा बच्चा आप उसको दिखाया था दिखा सकते हैं, नहीं वो लेडीज बैठी हुई लेकिन तो यही ऐसे बैठा हुआ था, वो ऐसे जो है ना ऐसे चले गया वो अंदर। समंदर की क्या सूरत है? समंदर बहुत खतरनाक है, अभी मैं आगे भी नहीं आ रहा हूँ, ऐसा उठा के फेंका भी है, देखें आप इतनी लहर आई है। होए होए समंदर काफी ऊपर आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं सूरत हाल, देखें काफी आगे निकल गए, लहरें इनको आगे ले जाएंगी, अभी क्या करते हैं लाइफ गार्ड भाई ने इनको समझाया है, ये आगे निकल गए, ये भाई देख सकते हैं आप लोग, मौलाना साहब काफी आगे निकल गए, उनके हाथ नजर आ रहे हैं, लाइफ गार्ड उनको बचाने के लिए गए, किस तरीके से इनको रेस्क्यू करते हैं ये देखें, लाइफ गार्ड ने डाइव लगाई, मौलाना साहब के पास जा रहे हैं, मौलाना साहब को ट्यूब पकड़ा चुके हैं और वो काफी आगे निकल गए थे, लाइफ गार्ड उनको बचाने गए, किस तरीके से उनको रेस्क्यू करते हैं, लाइफ गार्ड उनके पीछे गए हैं मौलाना साहब को रेस्क्यू करने के लिए, और ओए हुए मौलाना साहब काफी आगे निकल गए थे, लाइफ गार्ड उनको बचाने के लिए पहुंचे हैं, ये रेस्क्यू करके ला रहे हैं इनको, ओए लहरें किस कदर खतरनाक, ये मौलाना साहब को रेस्क्यू करके ला रहे हैं, ये भाई मौलाना साहब को यहाँ पे रेस्क्यू करके ले आए, ये लहरें देखें आज कितनी खतरनाक है, सेंसिटिव है, रेस्क्यू करके लाए लाइफ गार्ड, अभी इनसे पूछते हैं कैसे रेस्क्यू किए, हुए शुक्र है सर, माशाल्लाह काफी जबरदस्त तरीके से रेस्क्यू किया, मौलाना साहब कितने आगे निकल गए? ये बहुत आगे निकल गया था, लहरों के अंदर चला गया था, और इन्होंने फिर आपको हाथ दे के इशारा किया, किस तरीके से बताए ना? इसने साथ हिलाया, हम गया डायरेक्ट, तो आपको कैसे पता लगा यहाँ तक जाना चाहिए काम बंदे को? नहीं ना, यहाँ पे पानी बहुत तेज है, ये भाई ने मुझे नहीं पकड़ा, अच्छा किया भाई ने, कोई ऐसा बंदा हम लोग को पकड़ता है इसको नहीं पकड़ते, ये भाई ने डायरेक्ट इसको पकड़ा, अच्छा किया। असल में जून जुलाई में पानी का प्रेशर थोड़ा तेज हो जाता है, पानी चढ़ता है, तो कुछ लोगों को तो ये पुलिस है यहाँ पर मना कर रही है कि ज्यादा आगे की तरफ नहीं जाएं, लेकिन ये हमारे लोग हैं समझते हैं नहीं है,
पानी में थोड़ा सा आगे चले जाते हैं और जब लहर रिटर्न होती है तो पानी के साथ अपने आप को बंदे को भी साथ ले जाती है। हादसा होते रहते हैं। कल परसों भी कोई बोला डेड बॉडी बच्चे की निकली है, ईदी के गोताखोरों ने निकाली लेकिन वो एक्सपायर हो गया था बच्चा। और यहाँ की लहरों के हवाले से क्या कहते हैं लोग, बेहतियातियाँ? बेहतियातियाँ मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक लिमिट तक आप रहो तो आपको नुकसान नहीं करेगी। आप लिमिट से आगे चले जाओगे, आपको तैराकी आती नहीं है। सबसे बड़ी बात 90% लोगों को तैराकी नहीं आती, तो जिसकी वजह से ये हादसा होते हैं। बाज दफ़ा होता है तैराकी जिसको अच्छी भी आती है वो आगे जाके डूब जाता है क्योंकि उसका स्टेमिना खत्म हो जाता है, हाथ पैर नहीं चलाता, तो वो फिर हादसा की सूरत में पैदा हो जाते हैं। फिर